हेलो व्यूवर्स, मैं सुदीप आपको अपना चैनल सुदीप होममेड कुकिंग में स्वागत करता हूँ। और आज हम बनाने वाले हैं फूलकोबी से एक रेसिपी। तो यहाँ पर हमने फूलकोबी का फ्लोरेट्स को ऐसे छोटा छोटा करके रखा है। और यहाँ पर है बेसन, मैदा, सूजी, नमक और यहाँ पर है प्याज और लहसुन। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो पहले हम लोग फूलकोबी को नमक और गरम पानी से थोड़ा वॉश कर लेंगे ताकि इसमें सारा सामान कुछ भी डस्ट पार्टिकल्स होगा तो निकल जाएगा। इसको ढक के कुछ समय तक रखेंगे ताकि साफ़ हो जाए। तो अभी हम लोग पहले बेसन, मैदा और सूजी का एक घोल बना लेंगे और थोड़ा सा चिली पाउडर भी देंगे इसमें। तो नमक और चिली पाउडर, हम लोग इसमें कश्मीरी मिर्च थोड़ा सा और मिलाएंगे ताकि कलर आ जाए। घोल हमारा तैयार हो गया है और अभी हम इसमें फूलकोबी को स्ट्रेन कर लेंगे, फूलकोबी का पानी को। और अभी हम इस घोल में फूलकोबी को मिक्स कर रहे हैं और इसी से कोटिंग कर देंगे। तो ये हमारा कोटिंग हो गया है और कढ़ाई में तेल गरम हो गया है। फूलकोबियों को जो कोट करके रखा था उनका शैलो फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, करीब 10 मिनट तक फ्राई करने के बाद अभी हमारा फूलकोबी फ्राई हो गया है और क्रिस्पी है। तो अभी हम इसको उतार लेंगे। कुछ और फूलकोबी ऐसे है उसको भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमने प्याज के पत्तों को ऐसे छोटा छोटा करके काट के रखा है जो हम लोग लास्ट में यूज़ करेंगे। और तो हेलो व्यूअर्स, अभी हम कढ़ाई में फिर से तेल गरम कर लिया है और इसमें प्याज डाला है और लहसुन, और प्याज और लहसुन को अच्छा से यहाँ पर सोटे करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा नमक दे रहे हैं और थोड़ा सा हल्दी। और थोड़ा सा चिली पाउडर, धनिया और जीरा भी। तो हेलो व्यूअर्स, ये देखिए हमारा प्याज फ्राई हो गया है और इसका कलर भी चेंज हुआ है। और अभी हम इसमें सॉस और थोड़ा टोमेटो सॉस और सोया सॉस मिला रहे हैं। और अभी हम इसमें कॉलीफ्लावर जो फ्राई करके रखे थे वो मिला रहे हैं। हम इसमें थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियंस मिला रहे हैं। तो
ये हमारा कॉलीफ्लावर रेसिपी बनके तैयार है और मैं अभी आपको उतार के थोड़ा ठंडा होने के बाद प्रेजेंट करूँगा। तो हेलो व्यूवर्स, ये हमारा कॉलीफ्लावर रेसिपी बनके तैयार है और मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। आपको हमारा बनाने का प्रोसेस अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नीचे मैंने अमेजन का आइटम्स का लिंक देकर रखा है, वहाँ पर आप ज़रूर विज़िट कीजिए और मेरा वेबसाइट भी है, ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो थैंक यू व्यूवर्स।